हाँ भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, माइंड करना आप हमेशा, कि जो हेलोएरिन्स होती हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेस रिएक्टिव होती हैं, क्यों होती हैं इस चीज़ को अपन जानेंगे। हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली दो रीज़न है इनके। फर्स्ट, द C-Cl बॉन्ड इन हेलोएरिन्स, द C-Cl बॉन्ड इन हेलोएरिन्स गेट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो CCl बॉन्ड है हेलोएरिन्स में, वो क्या कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उसके अंदर अराइज हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टुवर्ड्स इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा रीज़न है, CCl बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी इज डिक्रीज ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जो है हेलोएरिन्स में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेस होता है, जिसे CCl बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन दो रीजंस की वजह से हेलोएरिन्स क्या करती हैं भैया, लेस रिएक्टिव होती है, किसके टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन दे दी जाए तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं वो देखेंगे अपन। स्पेशल कंडीशंस की मैं बात करूं, जैसे Cl NaOH, स्पेशल कंडीशन में आपके टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया जाए। टेम्परेचर आपके 623 केल्विन रखूं और मैं प्रेशर रखूं 300 atm का, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल बनेगी भैया, OH प्लस NaCl। अगर इस हेलोएरिन्स पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए जाएं, तो ये रिएक्शन आपके थोड़े कम टेम्परेचर पे हो जाएगी। कम टेम्परेचर की जैसे मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करूं, मैं एक NO2 जोड़ दूं यहाँ पे, इसी रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं ऐड कर देता हूँ इसी हेलोएरिन्स पर, Cl NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 443 केल्विन, वहाँ 623 केल्विन था और यहाँ पे जो है 443 केल्विन आ गया है, ठीक है। और इतना आने की वजह से आपके, और ये NaOH ले लूँ, OH और NO2 अगर दो जोड़ूँ तो इससे और कम टेम्परेचर में हो जाएगी। यहीं पे लिख लेते हैं अपन,
दो अगर NO2 जोड़ दिए जाएं तो ये रिएक्शन 368 केल्विन में कंपाउंड हो जाएगी। और यहाँ पे प्रोसेस क्या लिखेंगे अपन, NaOH OH NO2 NO2। अगर तीन जोड़ दिए जाएं यहीं पे, एक यहाँ ले लूँ मैं NO2 और ये NO2, तो ये क्या हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। प्रोडक्ट आपके क्या बनेगा, NO2 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल और पिक्रिक एसिड। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड बनेगा। सिंपली अगर कराते हैं तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ले रहे हैं तो टेम्परेचर और कम हो रहा था, दो ले रहे हैं तो और कम हो रहा था, और तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए तो रूम टेम्परेचर पर ही हो रही थी। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट भी आपके क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही बनेगा। तो पहला है आपके एग्जाम्पल हेलोजिनेशन देखना, Cl2 anhydrous AlCl3 Cl plus Cl और Cl। दूसरा नाइट्रेशन में वही नाइट्राइटिंग मिक्सर क्या होता है, HNO3 और H2SO4। रिएक्शन किस तरह से होगी, Cl HNO3 और H2SO4। प्रोडक्ट वही आपके 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी क्या बनेगा, Cl NO2 plus Cl और NO2। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी सल्फोनेशन में क्या होगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। सल्फोनेशन में देखना, Cl H2SO4 प्लस SO3, या फिर इसको लिखते हैं अपन फ्यूमिंग लेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेंगे Cl SO3H और दूसरा SO3H प्लस Cl। ठीक है, इसके बाद नेम रिएक्शन में आपके आती है, दो तरह की प्रोडक्ट ऑर्थो और पैराडायरेक्ट बनते हैं। नेम रिएक्शन में रिएक्शन 11th में पढ़ी थी आपने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। एक ही एग्जांपल से अपन दोनों तरह की लिखेंगे, यहाँ बीच में मैं लिख देता हूँ,
ये हेलो एरिन्स लिख दिए मैंने, इधर CH3COCl प्रेजेंस AlCl3। आप हमेशा ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी। तो प्रोडक्ट आपके क्या बनेगा भैया, ClCOCH3 प्लस COCH3Cl। ये आपका क्या है, ये आपके है एसिटाइलेशन। AlCl3 कैसा लेना है, एनहाइड्रस होना चाहिए, एक बात और ध्यान रखना। तो ये आपके है एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन की मैं बात करूं तो CH3Cl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। AlCl3 कैसा, एनहाइड्रस। ClCH3 प्लस, यहाँ नीचे लिख देते हैं Cl और CH3। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितनी हैं, दो तरह की हैं। कौन कौन सी, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में हमेशा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एसिटाइलेशन में एसीटो CO CH3 ग्रुप अटैच होता है। दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। AlCl3 कैसा होगा, एनहाइड्रस लेना पड़ेगा। इसके बाद रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एरिंज भी मेटल्स के साथ रिएक्शन देती हैं, दोनों नेम रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग क्या करते हैं, देखो Cl Na ले लेंगे, दो Na प्लस ClCH3 प्रेजेंस किसकी रहेगी, ईथर की, ईथर की प्रेजेंस है। अब देखना आप, दो NaCl क्या हो गया, माइनस हो गई, और ये बना क्या आपके टोलुइन। फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग दोनों में डिफरेंट है। ये आपके वुड्स फिटिंग है, वुड्स फिटिंग में हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन का लेंगे, और खाली जो फिटिंग रिएक्शन है उसमें अपन क्या लेंगे, दोनों हेलो एरिन्स लेंगे। कैसे लेंगे देखो, टू एन ए ईथर प्रोडक्ट बनेगा बाई फिनाइल, ये आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स था। इसके बाद कई बार जो है इनके यूजेस पूछ लेते हैं, तो वो देख लो आप कौन कौन सी यूजेस कहाँ कहाँ काम आते हैं। यूजेस में मैं बात करूँ, नंबर वन पे DDT किस में काम आता है, इंसेक्टिसाइड्स में काम आता है। CHI3 इसको बोलते हैं आयडोफॉर्म, ये मेडिकल लाइन है उसमें ज़्यादा यूज आता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में, रेफ्रिजरेंट में यूज आते हैं हमेशा। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपके डाउट नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।